गाइस, मैं गया शॉपिंग करने, मुझे चाहिए था एक बड़ा स्क्रीन जिसमें मैं टीवी सीरीज या मूवी देख पाऊँ, स्ट्रीमिंग के बाद एक दो घंटा मजा कर सकें। तो मेरे पास लगभग 55 इंच का मेरे पास है स्क्रीन जिसमें मैं देखता हूँ, तो मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब लग रहा था थोड़ा सा दूर बैठो तो छोटा लगने लगता था देखने में। मैं सोचा उससे बड़ा जाकर देखते हैं कि 100 इंच का कितना लगता है। देखने में तो बहुत मज़ा आया 100 इंच, लेकिन जब दाम पूछा तो बोला किडनी बिक जाएगी। तो सोचा कि मोस्ट एफिशिएंट वे क्या होगा कि बड़ा स्क्रीन भी मिले और एफिशिएंसी भी, पैसे भी, पॉकेट भी थोड़ा ढीला ना हो। तो ये मैंने लिया, देखो दिस इज द थिंग। ये है MI का 1080p का प्रोजेक्टर और इसका साइज होता है 200 से ऊपर 300 तक चला जाता है। 300 इंच तक का स्क्रीन बनता है इससे और प्राइस कितना है 40,000 रुपीज़, और इसमें 4K भी सपोर्ट करता है। तो मेरे दिमाग में ये जब देखा मैंने, तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये 300 इंच अगर कर देते हैं इसको तो पिक्सलेट हो जाएगा, क्योंकि 1080p को अगर हम स्ट्रेच करते हैं 300 इंच में। लेकिन जब रिव्यू देखी हमने तो देखा यार पिक्सलेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो थोड़ा दिन सोचा है, 2-3 दिन थोड़ा रिसर्च किया, सोचा इसके बारे में, उसको ले लिया। लेने के बाद जब मैंने इसको घर पे लाकर जब टेस्ट किया, अमेजिंग, मज़ा आ गया। आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह का है ये। इसमें LED लैंप है और इसमें इनबिल्ट 2 स्पीकर हैं यहाँ पर, और एक फ़ैन भी लगा हुआ है ताकि गर्म ना हो। यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं जिसमें USB HDMI है, हेडफोन का है और DC इन का है यहाँ पर पावर का। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है इसमें, और कितना पोर्टेबल है आप देख लो। इसको लेके कहीं भी चलो, कहीं भी आप जा रहे हो लेके चलो, और आपके पास अगर एक फ्लैट वॉल है, इसको लगाए और शुरू हो गए। इसमें स्पीकर भी जो है बहुत अच्छा है, मैं आपको क्वालिटी भी चेक करवाऊंगा। चलिए चलते हैं गाइस। इसमें आप ट्राइपॉड माउंट भी लगा सकते हो आराम से। ये हो गया, अब इसको लगाते हैं हम ट्राइपॉड में। और ये हमारा प्रोजेक्टर हो गया सेट। अब इसको करते हैं ऑन करते हैं। रिमोट दिया है मस्त एकदम। इसमें एक अच्छी बात है कि ऑटो फोकस है, और आप अगर इसको मूव करते हो आगे पीछे प्रोजेक्टर को, तो ऑटो एडजस्ट कर लेगा स्क्रीन के हिसाब से, वो ऑटो फोकस करेगा, क्लियर कर देगा। बहुत अच्छी चीज है ये, देखिए ऑटो फोकस मस्त। ये आपका स्क्रीन, इसमें बहुत सारे प्री एप्स हैं और बिल्कुल ये MIT प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर सेटअप के लिए मैंने सोनी का ST4300 का 5.1 होम थिएटर लिया है, जो कि गजब का साउंड है। इसमें 3 स्पीकर सामने, 2 स्पीकर हैं पीछे, एक यहाँ एक यहाँ, मस्त एकदम बीच में बैठोगे तो लगेगा जैसे एकदम चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। होम थिएटर का मजा तभी है जब आप स्पीकर सही से स्प्रेड करो। अभी तो रूम खाली है इसलिए मेरी आवाज़ गूंज रही है। अभी हम पूरे वॉल में अभी इसको साउंड ट्रीटमेंट करने वाले हैं, यहाँ काउच करने वाला है, पूरा रूम सेटअप होने वाला है मेरा। और बोले ना कि रूम खोलेंगे अंदर बजाएंगे सिनेमा हॉल लगना चाहिए, वैसा बनेगा खतरनाक। स्पीकर की क्वालिटी चेक करते हैं। इसमें जो ऑलरेडी जो 2 स्पीकर लगे हुए हैं स्टीरियो स्पीकर, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, बजाते हैं, देखते हैं कैसा साउंड आता है। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। और मैं बजा नहीं सकता, इतना तेज आवाज आ रहा है कि बाहर का लोग सुनने के लिए डर जाए। Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my head up in my eyes, head up as a fact. Never looking back, I'm keep myself on track. Half तक ही छे पाया मैं, खुल करोगे तो पूरा एकदम बूम बाउंड है। तो ये अगर आप नहीं खरीदना चाहते स्पीकर, तो ये पूरा परफेक्ट है आपके लिए मूवी देखने के लिए, बढ़िया साउंड आता है इसमें। लेकिन मैंने 5.1 की खरीदा था, अब आइए इसको कनेक्ट करते हैं। सर्चिंग फॉर एसेसरीज, आपका अगर ब्लूटूथ आपका साउंड सिस्टम है तो इसमें सर्च हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर आ गया हमारा जो स्पीकर है वो आ गया। उसको सेलेक्ट करेंगे, पेयरिंग करेंगे और पेयर हो जाएगा। अब सुनेंगे साउंड। Thank you.
listen to the notes. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Pivot, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself in check. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my best to move along. Push myself to be the best. ये तो मैंने साउंड सुना है, लेकिन अभी क्वालिटी मैंने नहीं दिखाई है। प्रोजेक्टर की जो पिक्चर क्वालिटी है, जो वीडियो क्वालिटी है, वो हम देखेंगे अभी। एक वीडियो लगाते हैं मस्त। आएगा जब मेरा रूम सेटअप होगा पूरा, और मैं पूरा सारा सामान लगाऊंगा, साउंड ट्रीटमेंट होगा, काउच लगेगा बढ़िया। उसके बाद आपको अगर मजा आया हो और आप चाहते हो कि पार्ट टू देखो, तो सब्सक्राइब बटन मिस मत करना। जिन्होंने भी नहीं प्रेस किया, लाल को ग्रे कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके बता दो कैसा लगा ये वाला।